डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 29 जनवरी 2019। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियो है रोज सुबह आपके लिए 4 बजे हमारे चैनल्स पर अपलोड हो जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए मोटिवेशनल कोट है, रमन कुमार जी की मोटिवेशनल कोट है। जब कुछ करने की चाह जगती है तो व्यक्ति पहाड़ों में भी रास्ता बना लेता है, परंतु जब कुछ करने की चाह नहीं होती है तो साफ रास्तों पर भी पहाड़ नजर आने लगता है। बिल्कुल सही, ये रमन कुमार जी का बहुत ही बढ़िया कोट, मोटिवेशनल कोट। लेकर चलती हूं आपको कल की क्विज पर। क्विज में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के सर्वोच्च शौर्य वीरता सम्मान अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया, और इसका जो उत्तर है वो होगा नाजिर अहमद वानी। दूसरा प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, उत्तर है इसका नायोमी ओसाका। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच WEF 2019 की जो वार्षिक बैठक है वो हाल ही में किस देश में आयोजित हुई है, उत्तर है इसका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का जो दावोस शहर है वहां पर ये आयोजित हुई। ये एनुअल मीट होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, 22 जनवरी को ये शुरू हुई थी, 5 दिनों के लिए ये होती है, ठीक है, 5 दिनों के लिए हुई और वहां पर दुनिया के काफी सारे जो जाने माने लोग हैं उन्होंने इसमें शिद्दत की। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके बारे में आपको बताती हूँ कि ये एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन होता है। 1971 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था और ये नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये जो फोरम है ये कोशिश करता है कि जो हमारे वर्ल्ड लेवल पर राजनीतिक या फिर व्यवसाय से संबंधित या फिर आपके जो पॉल्यूशन वगैरह से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं, हैबिटेट लॉस है या फिर पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सब से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं उनका मिलजुल कर समाधान किया जाए। ये प्रश्न एक था, इससे संबंधित आप तस्वीर देखिए, ये देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नीचे लिखा हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 बिगिंस इन दावोस। और यहां पर देखो मैं आपको मैप में दिखा रही हूं कहां पर है स्विट्जरलैंड। ओके, ये देखो ये यूरोप का मैप है, इसमें जो छोटा सा व्हाइट कलर का कंट्री आपको नजर आ रहा है ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है लार्जेस्ट सिटी ज्यूरिक, ये ज्यूरिक है और करेंसी जो है यहां पर वो स्विस फ्रैंक है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें या फिर हम क्वालिटी ऑफ लिविंग की बात करें या नेचुरल ब्यूटी की बात करें तो ये कंट्री जो है ये दुनिया भर में इन चीजों के लिए जाना जाता है। ये हमारा प्रश्न एक था। प्रश्न दो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए किस देश ने तत्काल कार्रवाई के लिए एक जलवायु मार्च आयोजित किया, और ये जो जलवायु मार्च है ये आयोजित किया है बेल्जियम ने। बेल्जियम ने ये जलवायु मार्च जो है इसको ऑर्गेनाइज किया। मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कहाँ पर है बेल्जियम। फिर से अगर आप देखते हैं यूरोप का मैप तो नेदरलैंड और लग्जमबर्ग के बीच में, ओके, यहाँ पर आप देखेंगे आपको कंट्री नजर आएगा बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। डच, फ्रेंच और जर्मन यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। करीबन 60% लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म के अनुयायी हैं और करेंसी है यहां पर यूरो। यूरो जो है वो यहां पर करेंसी है, ठीक है। ये जितनी भी कंट्रीज हैं यहां पर यूरोप में, चाहे जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो, इन सब का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत बढ़िया है। यहां पर आपको देखो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी नजर आ रही हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इत्यादि। चलते हैं आगे, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन दिनों फ्रंटियर आईएएस का और पिनाकल एसएससी सीजीएल का रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है जिसमें हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं अपने सभी प्रोडक्ट्स पर, और ये जो ऑफर है ये 31 जनवरी तक है। यहाँ पर आपको डिटेल्स दिए गए हैं फ्रंटियर आईएएस के प्रोडक्ट्स पर, कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ जो ऑप्शनल्स हम ऑफर करते हैं वो दिए गए हैं। ये हमारी वेबसाइट है baljeetdhaka.com। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। सिमिलरली एसएससी सीजीएल के लिए भी, ओके, 31 जनवरी तक हमारा 50% डिस्काउंट का ऑफर है जो रिपब्लिक डे ऑफर है। अधिक जानकारी के लिए ये वेबसाइट है, ये फ़ोन नंबर है और ये ईमेल आईडी है।
चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इस राज्य सरकार ने गैर प्रवासी केरल वासियों को नियमित पेंशन प्रदान करने के लिए प्रवासी लाभांश पेंशन योजना की शुरुआत की है। ये जो पेंशन योजना है ये दे रहा है केरल, केरल जो है उसके जो गैर प्रवासी केरल वासी हैं उनको वो पेंशन देगा। अब आपको इसके बारे में बताती हूँ कि केरल जो है रेगुलर पेंशन प्रोवाइड करेगा नॉन रेजिडेंट केरलाइट्स को अगर वो एक बार वन टाइम 5 लाख रुपए की पेमेंट कर देते हैं। और ये जो 5 लाख रुपए की पेमेंट होगी इसको डिपॉजिट किया जाएगा KIIFB में। KIIFB क्या है? केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बॉन्ड। और ये जो है ये फाइनेंस करता है सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है केरल में। तो उसके बाद वहां पर जो जितने भी प्रवासी नॉन रेजिडेंट केरलाइट्स हैं उनको ये पेंशन दी जाएगी। अब मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कहाँ पर है केरल। अगर आप दूर दक्षिण में देखें आपको नजर आएगा ये है केरल। कैपिटल तिरुवनंतपुरम, गवर्नर पी सदाशिवम, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी, चीफ मिनिस्टर का नाम पिनरई विजयन, लोकसभा में 20 सीटें, राज्यसभा में सीटें जो हैं वो 9 हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न चार। प्रश्न चार में पूछा गया है मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 का पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है। पुरुषों का जो एकल खिताब है वो जीता है नोवाक ने और इन्होंने राफेल नडाल को हराया। नोवाक ने राफेल नडाल को हराया और नोवाक ने 7th time ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल जीती है मेलबर्न में। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं, इससे पहले मैं आपको इनकी एक तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इनकी तस्वीर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन का महिला सिंगल फाइनल किसने जीता। प्रश्न 5 है और इसको जीतने वाली हैं भारत की खिलाड़ी साइना नेहवाल। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मेरा आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर ए है, साइना नेहवाल ने पहला इंडोनेशियाई मास्टर्स टाइटल जीता और 3 बार जो वर्ल्ड चैंपियन रही हैं कैरोलिना मरीन वो जो है वो उनकी प्रतिद्वंदी थी। अब कैरोलिना मरीन जो है वो पहला जो फर्स्ट गेम था उसमें लीड कर रही थी, स्पेन से हैं ये, और उसके बाद इनको इंजरी हो गई घुटने में जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि और नहीं खेल पाएंगी, तो उसके बाद साइना नेहवाल को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो कैरोलिना मरीन के बारे में आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि जो रियो के ओलंपिक्स हुए थे 2016 में जिसमें पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल मिला था उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली स्पेन की कैरोलिना मरीन ही थी। आइए इन दोनों की तस्वीर दिखा देती हूँ आपको। काफी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किसको हराया था, तो उनका नाम आपको पता हो, ये साइना नेहवाल है और ये है कैरोलिना मरीन। छठा प्रश्न, छठा प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि विच डे पूरे विश्व में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 6, उत्तर है 27 जनवरी। अब इसको प्रलय स्मरण दिवस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस दिन उन लोगों को याद किया जाता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मारे गए। ठीक है, हिटलर को जाना गया बहुत से लोगों को मारने के लिए और ये जो दिन है ये पहली बार मनाया गया था साल 2006 में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स पर न्यूयॉर्क सिटी में। इस बार 2018 में थीम क्या थी? होलोकास्ट रिमेम्बरेंस एंड एजुकेशन आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अब मैं इससे संबंधित आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, प्रश्न 7 आपके सामने है। प्रश्न 7, किसने न्यू साउथ वेल्स पुरुष एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? आंसर है इसका कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा जो है ये बहुत ही अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, 10 साल की उम्र से ही ये भारत के लिए खेल रहे हैं और नेशनल स्क्वाड का ये हिस्सा है। मूल रूप से गुरुग्राम के ये रहने वाले हैं और इन्होंने जो न्यू साउथ वेल्स पुरुष एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप हाल ही में हुई उसको इन्होंने जीता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। आज मैंने आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बताया जो मेलबर्न में हुआ, फिर ये न्यू साउथ वेल्स मेंस एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ये भी ऑस्ट्रेलिया में हुई, तो
आज मैं आपको मैप में नहीं दिखाती, आप मुझे बताएं कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी कैपिटल क्या है। ओके, ये आप मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ भी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ भी है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के ये कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में लोकेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 7, अब मैं आपको कार्तिक शर्मा की एक तस्वीर दिखा देती हूँ। ये जो तस्वीर है ये कार्तिक शर्मा की तस्वीर है। अगला प्रश्न, अटल सेतु किस राज्य में स्थित है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अटल सेतु जो है ये गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या है, आंसर जो है हमारा यहाँ पर सी है, सी इज द राइट आंसर। 5.1 किलोमीटर लंबा ये सेतु है। ओके, और इसको मांडोवी नदी पर, गोवा में नदी है मांडोवी नदी, उसके ऊपर इसका निर्माण किया गया है। ये तीसरा ऐसा सेतु है जो राज्य की राजधानी को गोवा के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, स्टेट कैपिटल को ये नॉर्थ गोवा के साथ कनेक्ट करेगा। और हाल ही में इसका उद्घाटन जो है वो नितिन गडकरी जी ने किया है। अब मैं आपको इससे संबंधित तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए नितिन गडकरी जी, आप देख सकते हैं उद्घाटन करते हुए। और ये जो मैप है इसमें आपको एग्जैक्टली बताती हूँ गोवा कहाँ है। गोवा ये छोटा सा राज्य है, केवल 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। एस्टैब्लिश किया गया था 30 मई 1987 को। राजधानी पनाजी या पंजिम है। सबसे बड़ा शहर वास्को डिगामा शहर। गवर्नर मृदुला सिन्हा, चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर हैं। लेजिस्लेचर में इनके पास 40 सीटें हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के तहत ये आता है, गोवा बेंच, और जो पूरे हमारी कंट्री का सबसे छोटा राज्य है ये, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर कोंकणी है। ओके, तो ये थी जानकारी गोवा के बारे में। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा गया है शहरी युवाओं के लिए युवा स्वाभिमान योजना ये कौन से राज्य द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है युवा स्वाभिमान योजना, ये शहरी युवाओं के लिए है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं कमलनाथ जी, उन्होंने लॉन्च की युवा स्वाभिमान योजना। ये उन यूथ्स के लिए, उन युवाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है। रिपब्लिक डे पर छिंदवाड़ा में इसकी घोषणा की गई। इस स्कीम के तहत 100 डेज, 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाएगा इन युवाओं को जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं अर्बन एरियाज में। मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कहाँ पर है मध्य प्रदेश। बिल्कुल भारत के मध्य में है, तभी तो उसको मध्य प्रदेश कहते हैं। राजधानी यहां पर भोपाल है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर यहां पर कमलनाथ हैं। लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है, 200 सीटों वाला। अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया में ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि एरिया में हमारी कंट्री का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार ये 5वें स्थान पर है। लोकसभा में इनकी 29 सीटें हैं और राज्यसभा में इनकी सीटें हैं 11। अंतिम प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस पे को पाकिस्तान का राष्ट्रीय पे घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर होगा हमारा गन्ने का जूस। जो गन्ने का जूस है उसको पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक या राष्ट्रीय पेय जो है घोषित किया गया है। अब पाकिस्तान जो है भारत का पड़ोसी देश है। ये भारत आप देख सकते हैं, इस ओर अगर देखें तो आपको एक कंट्री नजर आएगा पाकिस्तान, और ये सारा, ये जो ब्लैक कलर मैं कर रही हूँ, ये सारे का सारा पाकिस्तान है। यहाँ पर राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ पर सबसे बड़ा शहर कराची है। ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश और उर्दू आते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति का नाम अरिफ अलवी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और करेंसी यहां पर पाकिस्तानी रूपी है। ठीक है, तो ये थी जानकारी सभी 10 प्रश्नों के बारे में। अब चलते हैं हम कीवर्ड्स पर। कीवर्ड्स आपकी मदद करेंगे सारे वीडियो को समराइज करने में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए बेल्जियम में मार्च किया गया। प्रवासी डिविडेंड पेंशन स्कीम ये केरल ने लॉन्च की। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता, नोवाक ने जीता। इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन विमेन सिंगल टाइटल साइना नेहवाल ने जीती। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 27 जनवरी को मनाया जाता है। न्यू साउथ वेल्स मेंस एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप इसको जीता कार्तिक शर्मा ने। अटल सेतु जो है ये गोवा में है, हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। युवा स्वाभिमान योजना ये लॉन्च की मध्य प्रदेश ने। और गन्ने के जूस को, गन्ने के रस को पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक घोषित किया गया। अब मैं आपको ले आती हूं आज की क्विज पर।
पहला प्रश्न, किस पे को पाकिस्तान का राष्ट्रीय पे घोषित किया गया? पूरे विश्व में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मुझे आपसे चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ अगर आपको कोई अच्छी मोटिवेशनल कोट आती है जो आपको लगता है कि दूसरे स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाएगी, आप वो भी लिखिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें जहां पर भी आपके लिए संभव हो सके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो हमारा गणतंत्र दिवस का ऑफर चल रहा है जिसमें हम 50% छूट दे रहे हैं अपने सभी प्रोडक्ट्स पर, उसका भी आप फायदा उठाएं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।